हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन का ये लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेंडिंग इक्वेशन की। तो हमारा टॉपिक है बेंडिंग इक्वेशन, या हम कह सकते हैं इसको थ्योरी ऑफ बेंडिंग। थ्योरी ऑफ बेंडिंग, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन का। तो बेंडिंग इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले हमें कुछ एजम्पशन को मानना पड़ता है कि हमारे एजम्पशन क्या क्या है। तो एजम्पशन हम से यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन से हमने एजम्पशन यहाँ पर लिए हुए हैं। तो एजम्पशंस में पहला एजम्पशन है कि आपका जो बीम है, या आपने जो भी मटेरियल लिया है, ठीक है, तो आपका जो बीम है वो बीम आपका क्या होना चाहिए, इनिशियली स्ट्रेट होना चाहिए। बीम इज इनिशियली स्ट्रेट, इनिशियली स्ट्रेट मतलब आपका जो बीम है वो आपका इनिशियली क्या होना चाहिए, स्ट्रेट बीम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, बीम हम क्या लेंगे, स्ट्रेट लेंगे मतलब सीधा बीम। दूसरा क्या है, जो बीम का जो मटेरियल है वो आपका होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बीम मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है कि जो आपने जो मटेरियल लिया है, जो मटेरियल आपने लिया है वो आपका हुक्स लॉ फॉलो करना चाहिए। मतलब कि जो आपने बीम लिया है वो बीम आपका क्या करे, हुक्स लॉ को फॉलो करे। तो द बीम मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ, ठीक है। आपका जो बीम मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए उसको, ठीक। अब जब आपका कोई भी बीम है या कोई भी मटेरियल है जब हुक्स लॉ को फॉलो करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लोडिंग के दौरान जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। हुक्स लॉ तभी आपका वैलिड है। और दूसरा क्या है कि आपका जो बीम का जो मटेरियल है, बीम का जो मटेरियल है, मटेरियल ऑफ बीम, मटेरियल ऑफ बीम क्या होना चाहिए आपका, हुक्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, लीनियर इलास्टिक के लिए, लीनियर इलास्टिक सॉलिड, लीनियर इलास्टिक आपका सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। और मतलब कि आपको पता है, मैंने बताया था जब हुक्स लॉ पढ़ाया था उस केस में, कि आपका जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन। नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब जो आपका मटेरियल है, बना हुआ बीम है, उसकी जो सरफेस है, उसका जो सरफेस है, उस सरफेस में कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस होनी चाहिए, और आपके उसमें एरिया क्या है उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, लीनियर इलास्टिक, सॉरी, ये आपका होता है जहाँ पर स्ट्रेस आपकी कंसनट्रेट नहीं होती है। अब आपका फोर्थ जो है, इसका पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है कि जो सेल्फ वेट है आपका बीम है, तो बीम का जो सेल्फ वेट है उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो आप जब भी बात करेंगे बेंडिंग इक्वेशन की, तो उसमें सेल्फ वेट जो है, सेल्फ वेट ऑफ कंपोनेंट इज नॉट कंसीडर, आपको वो क्या है उसे कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। यानी कोई भी आपका मटेरियल है, बीम है, या कोई भी मटेरियल है जिसमें आपको बेंडिंग इक्वेशन लगानी है, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको उसके सेल्फ वेट को इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट आपका पास क्या है इसमें, जो फिफ्थ पॉइंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जो जो फाइबर्स हैं, ठीक है, जो आपका प्लेन है उसके जो फाइबर्स हैं, जो बेंडिंग के दौरान क्या होना चाहिए, आपके स्ट्रेट रहने चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो प्लेन ट्रांसफर फाइबर विल रिमेन
मैन इन प्लेन, प्लेन गिवन आफ्टर पेंडिंग, प्लेन मतलब एक तरीके से स्ट्रेट, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या था, ये आपके पास बीम था, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स होंगे, इसमें बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स होंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में है, ठीक है। कुछ वर्टिकल में भी बहुत सारे प्लेन्स होंगे, ये आपके क्या है, वर्टिकल में भी बहुत सारे प्लेन्स होंगे, इसमें पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। अब ये आपकी क्या है, ये जो प्लेन है वो लॉन्गिट्यूडल में है, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल्स जो प्लेन है, अगर आप इसकी बेंडिंग करेंगे तो बेंडिंग के दौरान क्या है, ये टिल्ट तो हो सकते हैं इस तरीके से, किसी ना किसी एंगल पर। अगर इसका आपको ये पैन है, मान लीजिए इसको आप बेंड करेंगे तो ये बेंड हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से आपने इसको बेंड किया, तो जो प्लेन्स हैं, ये जो प्लेन्स हैं, इसमें कोई भी इरेगुलरिटी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है इसकी, कि मान लीजिए ये जो प्लेन है इसको आपने मोड़ा, तो ये जो लाइन है वो इस तरीके से टिल्ट तो हो जाए किसी एंगल पर, बट ये इसमें इस तरीके की इरेगुलरिटी ना आए, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया है। अब आपकी बात करते हैं, हम सिक्स पॉइंट क्या है। सिक्स पॉइंट कह रहा है आपको जो पॉइजन इफेक्ट है, पॉइजन्स, जो पॉइजन्स इफेक्ट है आपका है, उसको आपको इग्नोर करना है। पॉइजन इफेक्ट इज नेगलेक्टेड। अब पॉइजन इफेक्ट क्या बताता है, पॉइजन इफेक्ट अगर किसी कंपोनेंट को हम क्या करें, स्ट्रेच करते हैं, मान लीजिए किसी मेंबर को आपने क्या किया, स्ट्रेच किया, तो उसकी लेंथ में, लेंथ बढ़ने के साथ साथ उसकी थिकनेस या क्रॉस सेक्शन क्या होता है, रिड्यूस होने लगेगा। उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका कम होने लगेगा। या हम किसी कंपोनेंट को कंप्रेस करते हैं तो उसकी लेंथ रिड्यूस होगी और उसके जो थिकनेस है वो इंक्रीज होगी। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पॉइजन इफेक्ट, ठीक है। तो हमें इस चीज को क्या करना है, इग्नोर करना है, नेगलेक्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि बेंडिंग के दौरान आपको टेंशन और कंप्रेशन मिलता है, ठीक है। तो आपका सातवां पॉइंट्स क्या कह रहा है, कि जो आपका यंग्स मॉडुलस है इलास्टिसिटी का, वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी सेम फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन, फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन। टेंशन और कंप्रेशन के लिए आपका जो मटेरियल है यंग्स मॉडुलस, वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जो एट्थ पॉइंट है, वो क्या है आपका, एट अजम्पशन, कि जो बीम है, जो बीम आपका, बीम का जो मटेरियल है, बीम का जो मटेरियल है वो प्रिज्मेटिक होना चाहिए। बीम इज प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक चीजों के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ क्या होता है। तो बीम प्रिज्मेटिक का मतलब कि जो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपका क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक वायर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब जो नाइन्थ पॉइंट है आपका, वो क्या कह रहा है, कि जो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका क्या होना चाहिए, उसकी जो एक्सिस है वो सिमेट्री होनी चाहिए एक्सिस में, और लोडिंग के दौरान जो सिमेट जो लोडिंग के दौरान जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी क्या रहे, जो लोडिंग हो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर हो, ठीक है। तो जो लिख सकते हैं बीम क्रॉस सेक्शन, बीम क्रॉस सेक्शन हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड लोडिंग इज डन, एंड लोडिंग इज डन अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये हमें पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। अब मान लीजिए आपके पास क्या था, एक बीम था, स्ट्रेट बीम था पहले, ठीक है। ये आपका क्या है, स्ट्रेट बीम है। तो इस स्ट्रेट बीम पर आप क्या कर रहे हैं, जो
जो मूवमेंट्स को अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फोर्स या मूवमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं। ये जो मूवमेंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये जो क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि क्लॉकवाइज आपका लेफ्ट में होता है और राइट में आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आपको क्या मिलती है, सैगिंग। क्या मिलेगा आपको, सैगिंग मिलेगा। और सैगिंग के केस में आपको पता है जो अपर फाइबर है उसमें कंप्रेशन होता है, जो बॉटम फाइबर है उसमें क्या होता है, टेंशन होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं, एक एलिमेंटल एरिया को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोबारा बना देते हैं डायग्राम, ये आपका बीम था। ठीक है, इसमें हम एट डिस्टेंस एक्स पर क्या करते हैं, एक एरिया को कंसीडर करते हैं। ये आपका क्या है, ए बी सी डी, इसकी जो लेंथ है वो क्या है आपकी, डी एक्स है। इसकी लेंथ हमने क्या ले ली, डी एक्स है। तो जब बेंडिंग होगी तो बेंडिंग के दौरान कोई एक ऐसा प्लेन होगा जिसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये जो आपका स्ट्रेट प्लेन है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट प्लेन है, ये मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन है, आपका क्रॉस सेक्शन इस तरीके से दिख रहा है आपको। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये ऐसा प्लेन है जिस पर क्या है, ना कि कंप्रेसिव फोर्स है ना कोई आप कोई भी फोर्स है, इसमें स्ट्रेन नहीं होगा। ठीक है, न्यूट्रल प्लेन एक तरीके से आप, ये आपका क्या है, न्यूट्रल प्लेन है। ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूट्रल प्लेन का सेंटर को बोलेंगे हम सी, मतलब सेंट्रोइड। मैकेनिक्स में आपने सेंट्रोइड के बारे में पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, सेंट्रोइड। तो आपके पास क्या था यहाँ पर, यहाँ पे था ए, ये था आपका ए बी सी डी। ठीक है, और आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या है, ई और एफ है। ठीक, ये आपका न्यूट्रल प्लेन क्या है, ई और एफ है। ठीक, अब आप क्या करते हैं, वाई डिस्टेंस पर क्या करते हैं, एक प्लेन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये प्लेन आपका कौन सा मान लीजिए, जी एच, जी और एच प्लेन ले लिया हमने। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ से वाई डिस्टेंस पर ये प्लेन है, ये आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या है, ए इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका कौन सा डिस्टेंस, ये एक्स है, ये आपका कौन सा है, वाई है, ये आपका क्या है, जेड डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रहा, ये तो न्यूट्रल प्लेन है, न्यूट्रल प्लेन। यहाँ की डिस्टेंस कितनी थी आपकी, वाई थी, एंड न्यूट्रल प्लेन से वाई डिस्टेंस पर एक हम प्लेन कंसिडर किया है। ठीक, तो इसको इस तरीके से बना लेते हैं अलग, ये आपका ए बी सी डी, ये आपका एक न्यूट्रल प्लेन रहा, यहाँ से आपने एक ई और एफ, और ये आपका जी और एच, ये आपका क्या है, वाई डिस्टेंस पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अगर मैं एक लेयर आपकी कौन सी, जी एच है, ये लेयर आपकी कौन सी, जी एच है इस प्लेन पर, तो ये न्यूट्रल एक्सेस से कितनी, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस से आपकी डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर इसकी, वाई। तो वाई यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी फाइबर, ऑफ एनी फाइबर, ठीक है, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर जो आपकी क्या है, डिस्टेंस है, उसको हमने बाई से डिनोट किया है। ठीक है, ये आपने क्या किया, इसको वाई से डिनोट कर दिया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आपका जो बीम था वो आपका क्या था, इनिशियली क्या था आपका, स्ट्रेट था। इनिशियली आपका जो बीम है वो क्या है, स्ट्रेट है। तो अगर आपका कोई स्ट्रेट बीम है, ठीक, ये आपका ए बी सी डी ई एफ, ये आपका जी और एच, ठीक है, तो ये जो लेयर हमने ली है, इस लेयर के किसी दो पॉइंट से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, ये नॉर्मल आपके दो ड्रॉ हो गए, एन वन है, एन टू, मान लीजिए दो नॉर्मल हैं, तो ये दो नॉर्मल हैं वो आपके क्या करेंगे, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बताऊँ, इनफाइनाइट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ये इनफाइनाइट पर आपके क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका वो क्या हो गया, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो ई एफ है आपका,
वो आपका जी एच के बराबर है। इस केस में यहाँ पर क्या है, आपका जो ई एफ की वैल्यू है वो जी एच के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम जब बेंडिंग हुई है तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये प्लेन था आपके पास, इस प्लेन पर हमने मूवमेंट अप्लाई किया, इसमें बीम बेंडिंग हुई, तो बेंडिंग हुई तो मतलब सैगिंग हुई। ठीक है, तो सैगिंग हुई तो बीम किस प्रकार डिफॉर्म हो गया आपका, सैगिंग के दौरान आपका जो बीम है वो इस प्रकार डिफॉर्म हो गया, ये जो बीम है आपका इस प्रकार डिफॉर्म हो गया। ये क्या है, इसमें इसमें कंप्रेशन आ गया और इसमें क्या आ गया आपका, टेंशन आ गया। ठीक है, इसमें आ गया कंप्रेशन और ये आपका टेंशन आ गया। तो कंप्रेशन और टेंशन हुआ तो उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, तो एक और ड्रॉ करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका था ए डैश और बी डैश लेंगे क्योंकि इसकी लेंथ में चेंज हुआ है। ठीक है, और आपका जो ये कौन सा है, न्यूट्रल प्लेन आपका, न्यूट्रल प्लेन आपका कैसा रहेगा, एज इट इज़ यू, क्योंकि न्यूट्रल प्लेन में कोई भी आपकी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी उस पर स्ट्रेन नहीं होता है न्यूट्रल प्लेन में। ठीक है, और आपका ये प्लेन कह रहा है सी डैश और डी डैश, और इसके जो न्यूट्रल प्लेन के नीचे एक लेयर ली थी हमने, उसको कौन सा था, जी डैश और एच डैश। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा बना। तो यहाँ से इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, ये इसका ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा आपको। ये क्या मिलेगा आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो पॉइंट, इससे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल जब ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल हमारे क्या है, एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, टेंशन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था आपका, कंप्रेशन हो रहा था। तो हमें देखना है कि जो वाई डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, सेंटर से ये डिस्टेंस आपकी क्या थी, यहाँ तक की, ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस यहाँ तक, ये आपका क्या था, वाई था। ठीक है, ये आपका वाई था, तो ये आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर लगाएं हम, ये वाली डिस्टेंस जी डैश और एच डैश की, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस वाई, ये आपकी क्या हो जाएगी, आर प्लस वाई हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि स्ट्रेन कितना हुआ है, यानी स्ट्रेन आपका यहाँ पे कहाँ से देखना है हमें, हमें देखना है स्ट्रेन, हमें देखना है स्ट्रेन इन ए प्लेन, इन ए प्लेन एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, यानी न्यूट्रल एक्सिस आपकी जो है उससे आपकी y डिस्टेंस पर कितना स्ट्रेन आपको मिल रहा है। ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। तो स्ट्रेन क्या होता है आपका, अब स्ट्रेन जी यहाँ पर कौन सा होगा, क्योंकि लेंथ में चेंज हो रहा है इसलिए स्ट्रेन होगा, वो कौन सा होगा आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, जी डैश और एच डैश माइनस जी इंटू एच अपॉन ओरिजिनल कितनी है, जी इंटू एच। ये तो मिला आपको, ये क्या है आपकी चेंज इन लेंथ, ये आपकी क्या है, ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो ये टोटल मिलकर क्या मिलेगा, चेंज इन लेंथ, और ये क्या मिल गया आपके पास, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब क्योंकि फाइबर में लेंथ में चेंज हो रहा है ना, जो फाइबर है आपके पास, ये जो आपके पास मटेरियल है, इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, तो लेंथ में जो चेंज हो रहा है इसलिए हमें जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमें जो जो स्ट्रेन मिलता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे क्या है, ये जो आपका सेंटर है, ठीक है, और ये आपका जो प्लेन है, न्यूट्रल प्लेन है, वो क्या है, एक आर्क की तरह व्यवहार करेगा, ये एक आर्क ही तो है, तो सेंटर और आर्क के बीच में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि यदि मान लीजिए सेंटर से न्यूट्रल प्लेन एक आर्क है, ठीक है, सेंटर से न्यूट्रल प्लेन एक आर्क है, तो आर्क है, तो आर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर्क में क्या करते हैं, यदि हम एंगल को, क्योंकि ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल हो कौन सा होगा आपका, थीटा एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा आपका, थीटा एंगल होगा। ठीक है, तो यदि एंगल को हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आर्क मिल जाती है। तो आर्क कितनी है आपके पास, ई इंटू एफ, ई एफ आपके पास आर्क है, ठीक है। और एंगल कितना है आपके पास, थीटा है, और रेडियस कितनी, आर। तो यहाँ पे ई एफ किसके बराबर हो गया, आर इंटू थीटा के, और ई एफ किसके बराबर है आपके पास, जी जी एच के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि आपका जो जी डैश इंटू एच डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस वाई इंटू थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रेन निकालेंगे हम, स्ट्रेन आ जाएगा आपके पास आर प्लस वाई इंटू थीटा माइनस आर थीटा अपॉन आर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा स्ट्रेन आपका आ जाएगा वाई थीटा अपॉन आर थीटा, यहाँ से स्ट्रेन आ गया आपका वाई अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर आपका स्ट्रेन किसके बराबर आ गया, वाई अपॉन आर के बराबर स्ट्रेन आ गया, इक्वेशन नंबर वन, ये आपकी इक्वेशन नंबर वन आ गई। तो हम जानते हैं कि जो आपका मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि हम जानते हैं कि मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करता है, फॉलो करता है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ को, अगर कोई भी मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करता है तो उस केस में जो स्ट्रेन है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के बराबर, स्ट्रेस के बराबर हो जाता है, यानी स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल है, तो स्ट्रेस भी क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है ई इंटू एप्सिलॉन, ये तो आपको पता होगा, मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉरी सॉरी यहाँ से जो स्ट्रेस आता है आपके पास सिग्मा इंटू ई इंटू एप्सिलॉन के बराबर आता है, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे जो स्ट्रेन आपका आ जाएगा सिग्मा अपॉन ई के बराबर आ जाता है, इक्वेशन नंबर दो आ गई आपके पास, ठीक है। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को हम देखते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आता है सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। या फिर हम इसको और लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन, यहाँ इसको और तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर थ्री, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर थ्री। अब इक्वेशन नंबर थ्री आपके पास आ चुकी है, अब और देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब यहां से हमें देखना है आपने क्या निकाल लिया, उसकी स्ट्रेस उसमें और उसमें स्ट्रेन में एक रिलेशन यहां पर निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है, ये जो आपका स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो बेंडिंग के कारण हुआ है, इसलिए जो स्ट्रेस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है उसको हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। तो यानी हम इसमें यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा बी अपॉन ई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिग्मा बी हमारे पास किस बेंडिंग स्ट्रेस किसके बराबर जाएगा, ई अपॉन आर इंटू वाई, ई अपॉन आर इंटू वाई के बराबर आ जाएगा। अब चूंकि किसी मेटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस आपका सेम रहेगा और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि हम नॉन मूविंग लोड का इस्तेमाल करेंगे, यानी लोड में कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है, यानी कि जो रेडियस है वो भी कांस्टेंट है और जो यंग्स मॉडुलस है वो भी कांस्टेंट है, तो ये प्योरी वैल्यू किससे कांस्टेंट हो गई। तो यानी कि जो सिग्मा बी है बेंडिंग स्ट्रेस है वो आपका वाई के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आपकी जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो आपका वाई के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा, ठीक। अब क्या है, मतलब कि अगर हम इस इक्वेशन को वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो सी क्या आ जाएगा, जीरो यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक जो वेरिएशन है बेंडिंग स्ट्रेस का वो क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस
इज लीनियर, ठीक है, ये आपका क्या है, लीनियर है, ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर वाई की वैल्यू को ज़ीरो कर दें, वाई की वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे तो जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो आपको ज़ीरो मिलेगा। मतलब ये कहाँ पर स्ट्रेस की बात करेंगे, न्यूट्रल प्लेन पर। तो न्यूट्रल प्लेन पर हम बता चुके हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस जो है आपका ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो इन सबको फाइनलाइज करके एक फाइनल इक्वेशन आती है आपके पास, एम अपॉन, जो फाइनल इक्वेशन आती है वो आती है एम अपॉन आई इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये आपकी क्या है, फाइनल इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन। इसका डेरिवेशन आपके में नहीं है सिलेबस में, बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ रजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ, ये आपका क्या है, मूवमेंट ऑफ रजिस्टेंस। आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपके क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में आपके पास जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसके रिगार्डिंग डेरिवेशन को कर लिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम टॉर्जन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू क्लास।